हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आज हम लोग बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर है बायो का लाइफ प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसको ध्यान से देखिएगा इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है अगर हम साइंस की बात करें तो बोर्ड के हिसाब से तो स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ लाइफ इज नोन एज प्रोसेसेस जो भी बेसिक फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है खुद को अलाइव रखने के लिए खुद को जिंदा रखने के लिए उसको हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं इसमें कुछ चीजें आती है जैसे न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड ठीक है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज नोन एज न्यूट्रिशन इसके बाद अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अवर लाइफ टू कीप अस अलाइव इज नोन एज मेटाबॉलिज्म रिप्रोडक्शन क्या होता है द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक द फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग ठीक है एक्सक्रिशन क्या होता है द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट

अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट क्या है न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या होता है न्यूट्रिशन में दो कंपोनेंट है एक न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स है 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 एक न्यूट्रिशन क्या होता सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसी न्यूट्रिएंट्स क्या होता है ऐसी कोई जो कि हम एनर्जी के सोर्स की तरह यूज करें उसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स जैसे इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट फैट ये क्या है एनर्जी गिविंग फूड है प्रोटीन क्या है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है और विटामिन और मिनरल क्या होता है जो हमको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बीमारियों से बचाता है आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यू न्यूट्रिशन क्या होता है न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज नोन एज न्यूट्रिशन यानी खाने खाना को लेना और उसको यूटिलाइज करना इसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन अब न्यूट्रिशन कितने पार्ट में डिवाइडेड है दो पार्ट में डिवाइडेड है पहला न्यूट्रिशन कौन सा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दूसरा न्यूट्रिशन तो चलिए पढ़ते हैं अब हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है सेल्फ न्यूट्रिशन ठीक है और इनको प्रोड्यूसर भी कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मतलब ये खुद से ही खुद को न्यूट्रिशन यूज मतलब दे देते हैं और इनको क्या कहते हैं प्रोड्यूसर कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं फूड को प्रोड्यूस करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक में पढ़ते अगले पॉइंट में इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ क्या होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होता है कौन से इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और बनाते ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे ग्लूकोज अगला पॉइंट क्या है ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं और जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं यूगलीना भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है लेकिन युगलीना सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है जब सनलाइट नहीं होती तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में स्विच ऑन हो जाता है अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट प्लांट में न्यूट्रिशन किस प्रोसेस से लेता है प्लांट फोटोसिंथेसिस ठीक है फोटोसिंथेसिस क्या होती है इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है ये ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट क्या करता है अपना फूड बनाता है अपना खाना बनाता है किसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और वाटर की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है ये ट्रैप करता है सनलाइट को केमिकल इक्वेशन क्या है क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर अगर आप इसको बैलेंस करना याद रखिए तो ऐसे होता है इसको हमने ऐसे याद किया था सिक्स ट्वेल्थ सिक्स सिक्स ठीक है तो सिक्स ट्वेल्व इधर सिक्स सिक्स उधर तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं आगे अब हम लोग पढ़ते हैं फोटोसेंसेस टेक प्लेस इन थ्री स्टेप तीन स्टेप में फोटोसेंसेस होता है सबसे पहला स्टेप क्या है मतलब ये सारे स्टेप चलते रहते हैं लेकिन हम लो, हम लोग लोग इसको स्टेप वाइज पढ़ते हैं पहले स्टेप में क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करता है सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है दूसरा पॉइंट क्या है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है जिससे होता क्या है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पानी टूटता है ठीक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी मदद से टूटता है लाइट एनर्जी की मदद से टूटता है? है और तीसरा पॉइंट क्या है

इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया और दिन के समय में उसको यूज अप कर लेते तो वही चीज यहाँ पे जो डिजर्ट प्लांट है वो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है रात में और उससे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेता है और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने के बाद करता क्या है कि जब सनलाइट की प्रेजेंस रहती है ठीक है जब सनलाइट की प्रेजेंस रहती है तो फिर वो उससे क्लोरोफिल की मदद से जो भी अपना फूड है उसको आसानी से प्रिपेयर कर लेता है अगले पॉइंट पे अब हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट क्या है कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसेंसिस ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसेंसिस के लिए तो सनलाइट होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लोरोफिल होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और साथ साथ में वाटर होना चाहिए ठीक है तो ये कंडीशन है नेसेसरी फोटोसिंथेसिस के लिए अब हम ये प्रूफ कैसे करेंगे मान लीजिए अगर बता दिया कि भैया कंडीशन इंपॉर्टेंट है लेकिन आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे कोई क्या भैया प्रूफ करके दिखाओ तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया जिससे हम ये प्रूफ करेंगे कि सनलाइट क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सपेरिमेंट वन एक्सपेरिमेंट वन में करना क्या है टू शो सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसेंसिस हमको ये दिखाना है कि सनलाइट जरूरी है के लिए तो हमको सबसे पहले क्या करना है एक पॉटेड प्लांट को लेना है ठीक है पॉटेड प्लांट यानी जो गमले में लगा हो पोटेट इन डार्क प्लेस अबाउट थ्री डेज आप पहले इमेज में देख सकते हैं हमको इसको क्या करना है तीन दिन तक अंधेरे में रख देना है जिससे कि इसकी जो पत्तियां हैं डिस्टार्च हो जाए यानी जो भी इसने फूड प्रिपेयर करके रखा है वो इसका सब खत्म हो जाए ठीक है जैसे कि लॉकडाउन में हो रहा है लोगों को जो भी पैसे बचा

तो ये पहला स्टेप हो गया दूसरे स्टेप पे हमको क्या करना है

क्या मतलब होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी बाहर भरा हुआ है हमको डायरेक्ट अल्कोहल को नहीं उबालना नहीं तो आपको पता है अल्कोहल मतलब काफी इंफ्लेमेबल होता है और तुरंत जल जाएगा तो करना क्या है हमको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है या बॉइलिंग ट्यूब लेनी है उसके अंदर हमको पत्ती को डालना है उस अल्कोहल डालना है और पानी को ऐसे मतलब पानी को गर्म करना और पानी को गर्म करने के बाद उसमें हमको क्या करना है ये टेस्ट ट्यूब डाल देनी है तो इसको बोलते हैं वाटर बाथ आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये देखिए टेस्ट ट्यूब के अंदर पत्ती है और इसमें एल्कोहल पड़ा हुआ है और पानी गर्म हो रहा है साथ साथ में ये भी गर्म होता है हो रहा है इसको कहते हैं वाटर बाथ इससे होगा क्या कि जो क्लोरोफिल है क्लोरोफिल बाहर निकल जाएगा ठीक है क्लोरोफिल बाहर निकल जाएगा और पत्ती कलरलेस हो जाएगी अब ये क्यों जरूरी है ऐसा करना है? क्योंकि जब आयो, आयोडीन टेस्ट करेंगे और जब उसका ब्लू ब्लैक कलर आएगा तो ग्रीन कलर होने की वजह से वो हमको प्रॉपर वे में नहीं दिखेगा तो हम क्या करेंगे उसका क्लोरोफिल निकाल लेंगे जिससे कि हमको एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट प्रॉपर वे में पता चल सके अगला पॉइंट हमको करना क्या है टेक लीफ आउट एंड वॉश इट टू रिमूव द क्लोरोफिल विच इज स्टिक क्या करना है उसको वॉटर बात कराने के बाद हमको पत्ती निकालना और उसको एक बार फिर से गर्म पानी से धुल लेना है उससे होगा क्या कि जो उसमें थोड़ी बहुत क्लोरोफिल

जो मतलब यहां जिस पार्ट का कलर नहीं चेंज हुआ उसका मतलब हमने उसको कवर करके रखा था जिससे कि वहां पे फोटोसेंसिस नहीं हुई है वाइल्ड एक्सपोज पार्ट डेवलप कलर जबकि जो एक्सपोज पार्ट था सनलाइट में उस, उसने, उसमें कलर डेवलप हो गया तो इससे

अंधेरे में रख के डिस्चार्ज कर देना सेम चीज है फिर उसको हमको सनलाइट में रखना है ठीक है उसको हमको ले जाकर कहां पे रख देना है सनलाइट में रख देना है सनलाइट में रखने के बाद क्या करना है बॉयल लीफ इन इन टू ब्रेक द सेल मेम्ब्रेन फिर से बॉयल करना है इसके वाटर है इसके बाद बाथ ठीक उसको फिर से वॉटर बाथ देना है एल्कोहल में जिससे कि क्लोरोफिल उसका पूरा बाहर निकल जाए फिर से हमको फिर पत्ती धुलना है जिससे कि उसमें स्ट्रिक क्लोरोफिल बाहर आ जाए फिर उसमें आयोडीन टेस्ट कर लेना है अब आप इसको जब डार्क में रखेंगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा और फिर जब आप उसको तीन से चार घंटे मतलब जब आप उसको सनलाइट में रखेंगे तो वो अपना फूड तो खुद प्रिपेयर कर लेगा लेकिन उन जगह पे नहीं बेचने पाएगा जहां पे इसकी जरूरत है ठीक है यानी जो व्हाइट वाला पोर्शन है वहां पे नहीं पहुंचने पाएगा आप ये देख सकते हैं कि यहां पे जो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना यहां पे यहां पे जो है नहीं नहीं पहुंचने पाएगा ठीक है ये जो व्हाइट पोर्शन है यहाँ पे खाना नहीं पहुंचने पाएगा तो यहां पे फिर स्टार्च तो रहेगा नहीं फिर ये आसानी से आयोडीन टेस्ट हमको दे देगा ठीक है ना तो यहां पे क्लियर हो गया होगा चलिए चलते आगे इसके बाद हमको उसमें आयोडीन टेस्ट करना आयोडीन टेस्ट करने के बाद हम क्या देखेंगे रिजल्ट क्या निकलेगा

आप देखिए ये ब्लू मतलब ये स्टार टेस्ट नहीं दिया जबकि जो ग्रीन पार्ट था वो स्टार टेस्ट दिया ये देखिए वेरी लीफ है ये जो येलो एरिया वो उसका कलर चेंज नहीं हुआ जबकि जो ग्रीन एरिया था उसका कलर चेंज हो गया उसने ब्लू ब्लैक कलर दे दिया इससे ये प्रूफ हो गया कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस तो अगले एक्सपेरिमेंट पे हम लोग चलते हैं एक्सपेरिमेंट 6.2 एनसीईआरटी का है है ठीक ये भी टू शो कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस तो ये शो करने के लिए कि, कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस तो के लिए हमको करना क्या है टेक अ लॉन्ग लीफ पॉटेड प्लांट मतलब ऐसे हमको पोर्टेड प्लांट लेना है जिसकी पत्तियां लंबी हो फिर से उसको सेम काम करना है डिस्चार्ज कर दो लीफ को कैसे करेंगे तीन चार दिन तक अंधेरे में रख दो प्लांट को इसके बाद करना क्या है एक ग्लास बॉटल एक ग्लास बॉटल लेनी उसमें केवएस डालना के होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ठीक है जिसका काम क्या होता है बीच एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है के सॉल्यूशन जो होता है एब्सॉर्ब कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को इसके बाद हमको उसको करना क्या है फ्रॉम एयर एंड फिट रबर कॉर्क बॉटल को मतलब एयर टाइट कर देना है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो जार है ये वाला जारूए रखा है और इसको ये वाला पार्ट जो है ये कॉर्क है ठीक है कॉर्क से हमको इसको क्या करना है अच्छे से कवर अप कर देना के ओएएच क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आगे पढ़ते पुट लीफ इन द पॉटेड प्लांट इन बिटवीन द टू हाफ ऑफ कट कॉर सच दैट अपर हाफ रिमेन आउटसाइड द बॉटल हमको करना क्या फिर पत्ती को इस तरह से फिट करना है कि आधी पत्ती जो है बोतल के अंदर है आधी पत्ती बॉटल के बाहर है जब आधी पत्ती बॉटल के अंदर रहेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वहां कमी हो जाएगी तो फोटोसेंसेस नहीं करने पाएगा और जो बाहर है उस, उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता रहेगा तो आसानी से कर लेगा आगे हमको हमको क्या पढ़ना सेटअप इन सनलाइट फॉर टू डेज फिर हमको फिर से वही करना तीन से चार दिन तक इस सेटअप को सनलाइट में रखना है इस पीरियड में क्या होगा कि जो आधा का ऊपर पार्ट होगा ठीक है जो अपर हाफ होगा उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अपर हाफ है ठीक है इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और लोअर हाफ को कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आगे पढ़ते हैं इसके बाद करना क्या है प्लग द लीफ एंड बॉइल वॉटर उसको फिर पानी में बॉइल करना है फिर वॉटर बाद देना है एल्कोहल में और उसके बाद उसको, उसको वॉश करना है जिससे कि उसका पूरा क्लोरोफिल हट जाए इसके बाद आयोडीन के टेस्ट करना है हम आयोडीन टेस्ट में क्या पाएंगे कि जो लोहर हाफ है ठीक है पार्ट नॉट टर्न ब्लू ब्लैक जो लोहर हाफ है जो अंदर था एक्चुअली के ओ के जार के अंदर था वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं होगा जबकि जो आउटर वाला पार्ट है वो ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो जाएगा इससे क्या प्रूफ होता है फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट फोटोसेंसिस नॉट टेक्स प्लेस विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड इससे ये प्रूफ होता है कि फोटोसेंसिस बिना कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं होगा पढ़ते अब हम लोग अगले पॉइंट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे डायग्राम से ये क्या था ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेकिन अवेलेबल था ठीक है इसके बाद हमने क्या किया कि क्लोरोफिल रिमूव किया बॉइल करके अल्कोहल में वॉटर बाद अल्कोहल में तो इससे क्या हुआ पत्ते डिकलराइज हो गए फिर जब हम इसमें आयोडीन टेस्ट करेंगे तो जो अपर हाफ है वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है लोअर हाफ ब्लू ब्लैक में नहीं कन्वर्ट होगा क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं प्रेजेंट है ठीक है तो इससे चीजें हमको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे तो आगे पढ़ते हैं क्या क्या रॉ मटेरियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए तो रॉ मटेरियल फॉर फो फोटोसिंथेसिस में पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर क्योंकि यही तो हमको चाहिए अब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड पाता कहां से तो प्लांट गेट इट विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा प्लांट इसको स्टोमेटा की मदद से लेता है और गार्ड सेल कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आप यहां आप देख सकते हैं स्टोमेटा में क्लोरोप्लास्ट भी है सेल वॉल भी है और स्टोमेटा है गार्ड सेल और वैक्यूल है और न्यूक्लियस है आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हम आपको ये बताएं कि ये जो स्टोमेटा होता है पहला वाला जो है स्टोमेटा ठीक है जो पहला वाला इंस्टोमेंटा ये ये क्या है ये जो है मतलब अभी सोलिन है क्योंकि अभी इसमें वॉटर बोर्ट, इसने वॉटर एब्सॉर्ब किया हुआ है जबकि ये जो दूसरा वाला गार्ड सेल है ये क्या ये क्लोज्ड है ठीक है ये श्रिंक कर गया पहला वाला ओपन है और दूसरा वाला स्टोमेटा क्या है क्लोज है तो ये यहाँ पे स्टोमेटा इस तरह से काम करता है अगले पॉइंट पे अब हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट क्या प्लांट ऑप्टेन वॉटर बाय रूट हेयर बाय प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस प्लांट वॉटर कैसे ऑप्टेन करता है ऑस्मोसिस की मदद से ठीक है हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रूट हेयर्स की मदद से लेता है आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे बीच बीच में एयर है और वॉटर है ये कौन सा वॉटर है है ठीक है ध्यान दीजिएगा कैपिलरी वॉटर हम इसके लिए सेपरेट वीडियो बना के आपको समझा देंगे कैपलेरी वॉटर क्या होता है तो यहाँ कैपलरी वॉटर ने क्या किया वॉटर कैपलरी वॉटर रूट हेयर्स ने कैपलरी वॉटर